अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस लाल बेल आइकन को प्रेस करके टेक्निकल काफी को सब्सक्राइब कर लेना, और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, टेक्निकल काफी में आपका स्वागत है। आज हम एक 14+14 20 mm का कोर की डाटा के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने एक 14+14 की कॉइल का डाटा आपको बताया था, लेकिन वो 15 mm का था और ये 20 mm यानी 20 mm का कोर का साइज का डाटा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आपके सामने ये 14 अंदर 14 और बाहर 14 कॉइल का एक स्टार्टर है। हमने इसको वाइंडिंग करके रखा है। अब देख सकते हैं इसका 4 लीड निकलती है। ठीक है, ये हमने कॉपर वायर से इसे वाइंडिंग किया है। ये आप देखिए रनिंग कॉइल का 2 लीड है, ये बाहर वाला जो है ये रनिंग कॉइल है और ये स्टार्टिंग का 2 कॉइल है इधर पे। ठीक है, रनिंग का 2 स्टार्टिंग का 2 कॉइल होती है। ये आप देखिए हमने इधर से जब स्टार्ट करते हैं बुलेट लेते हैं और यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं वो लीड लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग कॉइल का जो लीड होती है उस दोनों कॉइल का देखिए, उस दोनों कॉइल का हमको इस तरह से शॉर्ट कर देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉमन बना देंगे राइट साइड पे जहाँ से स्टार्ट होती है दोनों कॉइल का, उसे हम शॉर्ट करके इसे कॉमन कर देंगे। और ये वाला जो रनिंग कॉइल का रहेगा इसे हम कर देंगे रनिंग कॉइल का जो योलो वायर होती है वो इसमें लगा देंगे और कॉमन में रेड लगा देंगे और इसमें जो है ब्लू कलर लगा देंगे। स्टार्टिंग कॉइल का जो है उसमें ब्लू कलर लगा देंगे, फिर हमारा हो जाएगा 3 वायर का कनेक्शन। ठीक है, और आप देखिए इस दोनों कॉइल के बीच में एक वाइट कलर हमने डाला है, ये आपको डालना होगा क्योंकि स्टार्ट और फिनिश के बीच में एक फ्रेम डालना बहुत ही ज़रूरी है ना, तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगी फिर फैन आपका मैग्नेट नहीं करेगा। तो दोनों कॉइल का ही स्टार्ट और फिनिश जहाँ से कॉइल स्टार्ट और फिनिश होती है उस बीच में ये फ्रेम आप डाल दीजिए ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए हम इसकी कोर की स्टार्टर की साइज के बारे में। इसका स्टार्टर साइज है 20 mm यानी 20 mm इसका स्टार्टर साइज है 20 mm। ठीक है, 20 mm इसका स्टार्टर साइज है, कोर साइज आप कुछ भी कह लीजिए इसका 20 mm है। तो अब हम इसका कॉइल के डाटा के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वाला आप देख सकते हैं यह रनिंग कॉइल, इसे हम रनिंग कॉइल कहेंगे। इसका जो डाटा है वो है 375 यानी 375 टर्न हम इस पर देंगे। SWG रहेगी 35 नंबर का, 35 इसका SWG रहेगी, वायर गेज होगा 35 नंबर और इसका ट्रांस होगा 375 ट्रांस हम इसमें देंगे। अब आइए हम स्टार्टिंग कॉइल के बारे में आपको बता देते हैं। ये वाला है स्टार्टिंग कॉइल जो अंदर में रहते हैं, स्टार्टिंग कॉइल है ये। इसका जो ट्रांस होगी वो होगा 310 यानी 310 टर्न हम इस पर देंगे। इसका भी सेम गेज रहेगी, SWG रहेगी 35 नंबर यानी 35। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डाटा है, इसमें जो फैन है वो अच्छा घूमती है, बहुत ही स्पीड से घूमती है। एक कंपनी का डाटा है, ओरिएंट कंपनी का। तो आपको हमने डाटा तो बता दिया, अब आपको बता दूंगा जो इसमें फिल्म हम डालते हैं वो आपको अच्छी तरह से डालना होगा, क्योंकि एक भी वायर फिल्म के बाहर आ जाए तो फिर आपका जो स्टार्टर है वो शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए आपको अच्छी तरह से फ्रेम डालना होगा। तो दोस्तों, आपको अगर और भी कोई इस फैन का जो डाटा है वो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।